हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुट्टू की सब्ज़ी की रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये सब्ज़ी सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए बनाते हैं। कुट्टू को अच्छी तरह धो लें क्योंकि इसमें बहुत सारे मिट्टी होते हैं। मैंने इसे अच्छी तरह धो लिया है। फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हाथों से ही तोड़ लें। इसे चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें और इन सब चीज़ों को डालें। लाल मिर्च और जीरा डालें, लहसुन अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, फिर हींग डालें, कटे हुए प्याज डालकर थोड़ी देर भुनें। फिर कुट्टू डालकर भुनें। मीडियम आंच में पकाएं। थोड़ी देर में ये पानी छोड़ देते हैं। इसे ढककर 5 मिनट और पकाएं। इसे तब तक भूनना है जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। हल्दी, धनिया और स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक और मिर्ची अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डालें। फिर इसमें 1 कटे हुए टमाटर डाल दें। थोड़ी हरी धनिया पत्ती डालकर ढककर पकाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें मिक्स कर लें। सब्जी में पानी अपनी पसंद अनुसार ही डालें। ये सब्जी इतने स्वादिष्ट होते हैं कि इसके स्वाद कभी भूल ना पाएंगे। आप भी एक बार इस तरह बनाकर खाएं क्योंकि ये सालों भर नहीं मिलते। अब इसमें थोड़ी सी मैगी मसाला डालें। मैं सब्जियों में मैगी मसाला का ही इस्तेमाल करती हूँ। कम मसालों में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। स्वादिष्ट कुट्टू की सब्जी तैयार है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपकी सब्जी कैसी बनी। हमारे वीडियो में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।